नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़े काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब डीजीसीए ने जारी किया नई गाइडलाइन, अब सस्ता होगा फ्लाइट का टिकट। आमतौर पर फ्लाइट टिकट का चार्ज जो ज़्यादा होता है, उसमें सफ़र करते समय आपको उन सुविधाओं का भी जहाँ पर चार्ज देना होता है, उन सेवाओं का भी चार्ज देना पड़ता है जिनका आप यूज़ नहीं करते, लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो नागरिक उड़ान महानिदेशालय जो है, उसने हवाई यात्रियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल डीजीसीए ने इसको लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के तहत अब फ्लाइट टिकट जल्दी जो है सस्ते हो जाएंगे। दरअसल अब एयरलाइंस कंपनियां जो है यात्रियों पर गैर जरूरी सेवाएं जो है वो नहीं तोप पाएगी, यानी गैर जरूरी सेवाएं जो है वो नहीं तोप सकेगी। दरअसल डीजीसीए ने जो है ये सुविधा यहाँ पर देने की बात कही है। दरअसल डीजीसीए का ये यहाँ पर डीजीसीए को जानकारी मिली थी कि फ्लाइट में सफ़र करने वाले कई यात्री जो है कई बार जिन सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनका भी जो है पैसा उनको चुकाना पड़ता है। इन सेवाओं की पैसेंजर को ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, इसलिए जो डीजीसीए जो है उसने नियम में बदलाव किया है। अब पैसेंजर को सिर्फ जो है उन्हीं सेवाओं का भुगतान करना होगा जिनका वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। ईपीएफओ अब देगा 50,000 रुपये का बोनस। नौकरी पेशा लोगों के लिए खुशखबरी है। दरअसल नौकरी पेशा वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है ईपीएफओ, उसने एक बड़ा ऐलान किया है जिसमें अगर कोई व्यक्ति कुछ शर्तों को अगर फॉलो करता है तो उसे जो है 50,000 रुपये का बोनस दिया जाएगा। बता दें आपको कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ भारत में कर्मचारियों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण जो भूमिका जो है वो निभाता है। वही ग्राहक एक व्यवस्थित रिटायर सेविंग जो यहाँ पर रिटायरमेंट सेविंग स्कीम प्रदान यहाँ पर करता है, जो नौकरी के बाद वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है। लेकिन जो है वो ईपीएफओ के कुछ ऐसे नियम है जिनके बारे में सब्सक्राइबर को सारी ही पता हो। इन नियमों को एक यहाँ पर लॉयल्टी यहाँ पर कम लाइफ बेनिफिट्स है जिसमें कर्मचारी को 50,000 रुपये का सीधा फायदा मिलता है, लेकिन एक साथ है। दरअसल सभी पीएफ खाताधारकों को सलाह दी जाती है कि वह नौकरी बदलने के बाद उसी पीएफ खाते में योगदान जारी रखे जिन्हें लगातार 20 वर्षों तक एक ही खाते में योगदान करने के बाद लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट्स का लाभ प्राप्त करने का मौका जो है वो मिलेगा, यानी एक ही खाते को आपको यूज़ करना होगा। वही कुछ ही समय पहले जो है सीबीडीटी ने उन खाताधारकों को लॉयल्टी कम लाइफ यहाँ पर देने की सिफारिश की है जिन्होंने 20 वर्षों तक अपने ईपीएफ खाते को यहाँ पर बंद नहीं किया, यानी 20 वर्षों तक लगातार योगदान दिया है। वे केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम को मंजूरी दे दी थी। जिन सब्सक्राइबर ने 20 साल नियमित योगदान किया है उन्हें 50,000 रुपये का फायदा जो है मिलेगा। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो यूपीआई को लेकर बड़ी खबर देखिए। नामीबिया के लिए यूपीआई की तरह पेमेंट सिस्टम बनाएगा एनपीसीआई। एनपीसीआई जो है इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड यानी NIPL जो है नामीबिया के लिए यूपीआई की तरह जो है इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम डेवलप करने में मदद करेगा। दरअसल NIPL जो है उसके लिए बैंक ऑफ नामीबिया जो है उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने जो है इसके बारे में जानकारी दी है। वैसे एग्रीमेंट का उद्देश्य जो है अफ्रीकी देश में डिजिटल फाइनेंशियल जो है सर्विस को बढ़ावा देना है। वह रियल टाइम पर P2P और मर्चेंट पेमेंट ट्रांजेक्शन जो है उसको सपोर्ट कराना है। वही NPCI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि अफ्रीकी देश में UPI जैसा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप करने में मदद करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ जो है एग्रीमेंट की घोषणा करते हुए रोमांचित किया। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बड़ी खबर देखिए, अब टैटू बनवाने से 40 लोग हुए हैं HIV पॉजिटिव। स्टाइलिश और कूल दिखना पड़ सकता है अब महंगा। आज के मॉडर्न दौर में जो है टैटू का क्रेज जो है अब चरम पर है। स्टाइलिश और कूल दिखने के लिए शरीर के अलग अलग हिस्सों पर टैटू बनवाना और युवा पीढ़ी के लिए एक फैशन बन गया है। वही कोई किसे चाहने वाले का नाम लिखवा रहा है तो कोई जो है कुछ और। और भारत में टैटू की दीवानगी जो है नई नई, इसका इतिहास जो है सैकड़ों साल पुराना है। पहले इसे जो है गोदना या फिर गुदाना यहाँ पर कहा जाता था। प्राचीन भारतीय परंपरा में टैटू अलग अलग जनजातियों का निशानी यहाँ पर हुआ करती थी। वैसे अब आप अपनी इच्छा या अपने बजट के मुताबिक कोई भी टैटू बनवा सकते हैं, लेकिन अगर आप सस्ते के चक्कर में कहीं चौक चौराहे या फिर मेले में अगर टैटू बनवाने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसे टैटू जो है बनवाना खतरनाक हो सकता है। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में 10 जिलों में जो है 40 लोग ऐसे मिले हैं जिन्हें टैटू
बनवाने के बाद जो है HIV जो है आप पर संक्रमण जो है वो हो गया। इसमें 26 लोग ऐसे थे जिन्होंने सड़क के किनारे टैटू बनवाने वाले जो आर्टिस्ट से टैटू यहाँ पर बनवाया था।